हे व्हाट इज अप गाइस, तो यार आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल की एक और फ्रेश वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट प्रिंस, आप देख रहे हैं प्रिंस गेमिंग जोन यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज का वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो गाइस सबसे पहले बोल दूँ, कल मैंने जो कम्युनिटी पोस्ट किया था कि मेरे साथ छोटा सा एक एक्सीडेंट हो गया था, तो ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं हुआ है, बहुत बंदे पूछ रहे थे, तो थैंक यू है जो भी बंदे दिल से पूछ रहे थे, तो थैंक यू यार सभी को। और कल हमारे यहाँ पे जो कि है पानी का थोड़ा प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से हम लोग पीने का जो पानी होता है, खाना बनाने का जो और पीने का जो पानी होता है, वो हमको थोड़ी दूर पंप से लेके आना पड़ता है। तो डेली मैं जाता हूँ और कल भी गया था, बट आने के टाइम पे ऊपर से एक घर के वहाँ पे दो तीन घर है, घर के साइड में घर वगैरह जो रहते हैं, तो एक घर से घर के ऊपर या पता नहीं कैसे आया एक ईंट का जो टुकड़ा होता है, टुकड़ा मेरे जो क्या बोलते हैं कंधे पे आके ऊपर से गिर गया। तो ऊपर से गिरने के बाद पता ही होगा आप लोगों को हालत क्या होगा। तो ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, बट थोड़ा छिल गया और दर्द बहुत हुआ, हड्डी में लगा था, तो इसलिए मैं कल थोड़ा रेस्ट कर रहा था और टाइम नहीं मिला मेरे को वीडियो बनाने में, क्योंकि यार बहुत ही तकलीफ़ हो रहा था, इसलिए कल वीडियो नहीं आया। तो ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं हुआ है, तो चलो बढ़ते हमारे मेन टॉपिक की ओर। तो गाइस आज का वीडियो है हाउ टू मेक ए परफेक्ट ई स्पोर्ट टीम। आप लोग एक परफेक्ट ई स्पोर्ट टीम कैसे बना सकते हो अपने खुद के। तो सबसे पहले बात करेंगे, जो बेसिक चीज़ है वो से भी बात करेंगे, और मैं भी एक ई स्पोर्ट टीम बनाना चाहता हूँ, तो जिसमें से मैं और मेरा एक दोस्त है। तो अगर आप में से कोई बंदा इंटरेस्टेड हो ई स्पोर्ट्स को लेके, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक है, वहाँ पे आ जाओ, वहाँ पे सारे बंदे मस्ती करते हैं, वहाँ पे आप लोग मेरे साथ बात कर सकते हो, क्योंकि भाई नंबर वगैरह बहुत बंदे मांगते हैं, तो नंबर ऐसे मैं नहीं दे सकता, माफ़ करो। तो आप लोग को अगर आना है तो डिस्क्रिप्शन में डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक है, वहाँ पे आ जाओ, और जिसको भी खेलना है स्पोर्ट में टीम बनाना है तो वहाँ पे आके मेरे को कमेंट कर दो। तो अभी बात करते हैं कि एक परफेक्ट स्पोर्ट टीम कैसे बनाए, जो कि प्रोफेशनल जो स्पोर्ट्स टीम होते हैं, जैसे कि आप लोग मान के चलो जो हमारा FFIC जो विन किया है TG माफिया, टोटल गेमिंग जो स्पोर्ट टीम है, या तो आप लोग जो पहाड़ी है CRX पहाड़ी, जो पहाड़ी भाई है हमारे, तो उनकी तरह भी आप लोग उनका भी एक टीम है CRX फोर्स करके, या फिर क्रिटिकल एक्स पहले था। तो इस तरीके का आप लोग एक प्रोफेशनल जो स्पोर्ट टीम होता है वो कैसे बना सकते हो। तो प्रोफेशनल स्पोर्ट टीम में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा हर एक बड़े यूट्यूबर उस टीम में होते हैं, जैसे कि ये TG माफिया में टोटल गेमिंग ने उन लोगों को अपना नाम दे के खरीद लिया, या फिर कुछ भी बोल सकते हो। तो ऐसे बंदा एक प्रोफेशनल और एक हाई लेवल का। लेकिन पहले जो बंदे थे जैसे कि वासीओ और अजय भाई, तो ये सभी का टीम पहले अलग था, इन सभी का था माफिया करके कुछ था इन लोगों का। तो उसको जब ये बंदे लोग अच्छे खेलने लगे, तो वहाँ पे टोटल गेमिंग जो अज्जू भाई है, उन्होंने इन लोगों को अपने नाम से अब कर लिया है, जैसा भी बोल सकते हो। तो इस तरीके से एक अच्छा टीम होगा, लेकिन जब आप लोग स्टार्टिंग में करोगे तो आप लोग को स्पॉन्सर करने वाला कोई नहीं रहेगा, तो इसके लिए भी आप लोगों को जो कि अच्छा खेलना पड़ेगा ताकि आप लोगों को कोई स्पॉन्सर करे। जैसे कि आप लोग ओल्ड स्कूल जो FFIC में खेले थे, बहुत ही अच्छा खेले थे, ओल्ड स्कूल हो गया, उसके बाद जो कि है द डॉक्टर्स करके एक टीम था। तो ऐसे आप लोग स्टार्टिंग के खुद से ही बना सकते हो, जो कि जो टीम्स वगैरह प्रमोट ना हो, स्पॉन्सर्स ना हो, ऐसे भी टीम आप लोग बना, पहले तो ऐसे ही टीम होंगे, उसके बाद अगर कोई स्पॉन्सर करेगा तो होगा। तो इसके लिए आप लोगों को बनाना पड़ेगा पहले 4 बंदों को आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगा, सॉरी 5 बंदे, जिसमें से एक बंदे को रखना पड़ेगा लीडर, जो कि आप लोगों को बेसिक चीज़ें इसे पता है, बट फिर भी मेरे को बताना ज़रूरी है। तो जैसे कि एक बंदा होगा लीडर, उसका काम होगा पूरे मैचेस में कहाँ पे उतारेगा, लैंड करेगा, क्या करेगा, सारे जो भी
काम करना है वो सभी वो लीडर चूज करेगा और बोलेगा कि यहाँ पे उतरो, यहाँ पे लूट करो, यहाँ से रोटेट करेंगे हम लोग। तो ऐसे करके काम होता है लीडर का। तो सेकंड जो बंदा होगा वो काम उसका होगा सपोर्ट करना। तो मतलब लीडर जब फाइट वगैरह या फिर कुछ करने जाएगा तो वहाँ पे उसको सपोर्ट देने वाला होगा सपोर्टर। तो दूसरा बंदा भी हो गया। तीसरा बंदा होगा एसोल्टर। तो एसोल्टर का काम मेरे को ज़्यादा पता नहीं, बट वो बंदा जो कि है एआर वगैरह ये सब अच्छे से चला लेता है, मतलब सारे गन अच्छे से चला लेता है। तो ऐसा एक बंदा चाहिए। और चौथा जो बंदा चाहिए वो होगा एक स्नाइपर। तो चौथे बंदे को जो कि स्नाइप करना अच्छे से आना चाहिए और लॉन्चर वगैरह ये सब भी यूज़ करना अच्छे से आना चाहिए। तो ये हो गया बेसिक चीज़ें जो आप लोगों को चाहिए। और फिफ्थ बंदा एक चाहिए होगा, वो आप लोगों को मतलब अगर आपके टीम में से कोई बंदा अगर कुछ प्रॉब्लम वगैरह हुआ है तो उसके बाद मतलब बदले में ये बंदा खेलेगा। तो ऐसा एक बंदा रखना पड़ेगा आप लोगों को जो ऑलराउंडर भी हो सके, ताकि अगर कहीं भी प्रॉब्लम हो लीडर को छोड़ के तो ये बंदा उस पोजीशन में ये बंदा अच्छे से फिट हो जाए। तो ऐसा भी एक बंदा चाहिए। तो अभी बात करते हैं कि आप लोगों को स्पोर्ट टीम कैसे बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो पाँच बंदे लगेंगे, जिसमें से चार बंदे फ़िलहाल काफ़ी है, एक बंदा आप लोग बाद में भी ढूंढ सकते हो। और गाइस FFCS करके एक न्यू टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला है 21 नवंबर से। तो वहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि टीम दूँ, और मेरे साथ मेरा एक दोस्त है, मेरे यहाँ का ही एक दोस्त है, आप लोग जानते होंगे पता नहीं शायद से, तो मेरा दोस्त है। तो अगर आप लोग को इंटरेस्ट है तो आप लोग डिस्कॉर्ड में जाके जल्दी से कांटेक्ट करो, क्योंकि दो बंदों को चाहिए हम लोगों को। तो दो बंदे तो हम हैं और दो बंदों को चाहिए। तो जल्दी से जाओ डिस्कॉर्ड पे, डिस्कॉर्ड पे जाके मेरे से कांटेक्ट करो, DM वगैरह कुछ भी कर सकते हो। तो गाइस स्पोर्ट पे जो कि है वन टैप वगैरह आप लोगों को कुछ भी मतलब काम का नहीं है। अगर आप लोग क्लैश स्क्वाड में वन टैप वगैरह मारते हो, टूर्नामेंट सॉरी कस्टम में बहुत सारे वन टैप मारते हो, तो यहाँ पे आपका कोई जगह नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को अपने स्किल से खेलना पड़ेगा, अपने दिमाग से खेलना पड़ेगा। और यहाँ पे लास्ट जोन में अगर 12 टीम्स की मैच होगा तो लास्ट जोन में कम से कम 10 टीम 9 टीम बचेंगे। वहाँ पे आप लोग वन टैप वगैरह कुछ भी नहीं मार पाओगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही सारे अच्छे अच्छे बंदे रहेंगे। तो आप लोगों को प्रैक्टिस करना है सर्वाइव, अगर पॉइंट का गेम चल रहा है सर्वाइविंग पॉइंट का, तो आप लोगों को जो कि सर्वाइव करना अच्छे से आना चाहिए। और अगर किल का गेम चल रहा है तो आपको किल मतलब जो मार के खेलना वो भी अच्छे से आना चाहिए। जैसा गेम होगा, जैसा टूर्नामेंट होगा, वैसा आप लोगों को परफॉर्मेंस अच्छा करना पड़ेगा। हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि वन टाइम नहीं चलेगा, अगर आप लोग मारते हो तो अच्छा है, ठीक है, बट मतलब वो आप लोग एक बंदे को मारोगे, दो तीन बार ट्राई करोगे तब तक आपको पूरा एकदम घेर के मार देंगे, तो ऐसा नहीं चलेगा। अगर आप लोग वन टैप मारना चाहते हो तो इसके इस ड्रैगन रोबिन सभी से लॉन्ग रेंज में फाइट लो। शॉर्ट रेंज में वन टैप मतलब वन टैप मत मारो, आप लोग ड्रैग हेडशॉट वगैरह ये सब तो प्रैक्टिस करते ही होंगे। और ई स्पोर्ट में गन के स्किन्स का कोई भी मैटर नहीं है, मतलब गन के स्किन वहाँ पे अगर आपके पास होंगे भी तो वहाँ पे सारे एट्रीब्यूट्स को नॉर्मल गन के तरह ही कर देंगे। तो अगर आप लोग स्पोर्ट खेलना चाहते हो तो आप लोग अभी से विदाउट गन के स्किन्स प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। एंड गाइस अगर आप लोग ग्लिचेस का यूज़ करते हो, जैसे कि नेट ऑन ऑफ करना, या फिर अगर आप लोग मतलब मैंने कल या परसों शायद से 4UN1 जो ई स्पोर्ट टीम है उनका एक वीडियो देखा था, जहाँ पे बोल रहे थे कि ई स्पोर्ट में ग्लिचेस भी अलाउ नहीं है। और ग्लिच बोले तो अगर आप लोग जो ग्लू वॉल लगाते हो, मतलब कोई भी घर के नीचे से ऊपर वाले घर को ब्लॉक करने के लिए वहाँ पे जो ग्लू वॉल लगाते हुए, या फिर टावर में रश करने के लिए, या फिर बंदों को ऊपर से नीचे उतारने के लिए जो ग्लू वॉल लगा के फंसा देते हो या फिर नीचे उतार देते हो, तो ये सभी को ग्लिचेस माना जाता है। और इन सभी से आप लोगों का मैच में माइनस लग जाएगा, मतलब अगर आप लोग एक ग्लिच यूज़ करोगे तो 40 का माइनस लग जाएगा, जितना भी आप लोग पॉइंट बनाओगे वहाँ से आपको 40 का माइनस कट जाएगा। और अगर आप लोग 3 से 4 बार ये वाला ग्लिच यूज़ करे तो आप लोगों को परमानेंट मतलब परमानेंट बोले तो डिस्क्वालीफाई भी कर दिया जाएगा टूर्नामेंट से। तो ग्लिचेस का यूज़ मत करना, अगर आप लोग करते हो तो करना कम कर दो, मतलब थोड़े धीरे धीरे से इसका प्रैक्टिस करो और इसको कम कर दो, ताकि ऐसा काम ना हो आप लोगों से। और लास्ट बात जो कि है जोन प्रेडिक्ट करना। तो जोन प्रेडिक्ट करना गेम के अंदर मतलब बहुत ही ज़रूरी है टूर्नामेंट में,
क्योंकि आप लोग जोन प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे, तो बंदे लोग आप जो जब मतलब जोन की तरफ बढ़ोगे लास्ट में, तब आप लोग को बंदे लोग या जोन के अंदर से बहुत ही गंदा वाला लेंगे। तो आपके टीम में से किसी एक बंदे को जोन प्रिडिक्ट करना आना चाहिए, ताकि आप लोग पहले ही जोन में जाके पहुंच जाओ और जो बंदे या जोन में लास्ट में आएंगे उन सभी को मार सको। तो जोन प्रेडिक्ट करने के ऊपर मैं बहुत ही इजी तरीके एक लाऊंगा वीडियो, तो इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को ऑल पे सेट करना पड़ेगा। इस वीडियो का लाइक एम है 20 लाइक्स, कंप्लीट कर दो गाइस, बहुत ही अच्छा लगेगा मेरे को, मतलब कि हाँ मैं एक अच्छा वीडियो बनाया। तो आप लोगों को बस 20 लाइक्स कर देना है। तो नेक्स्ट वीडियो जोन प्रेडिक्ट के ऊपर होगा। और तो गाइस फिलहाल मैंने जो आप लोगों को टिप्स बताया वो सभी टिप्स अगर आप लोग फॉलो करोगे तो आप लोग एक प्रोफेशनल और एक अच्छा स्पोर्ट टीम बना सकते हो। बट आप लोग के मतलब आपके जो टीममेट्स हैं उन बंदों के ऊपर आप लोग को मतलब आपका कोऑर्डिनेट अच्छा होना चाहिए। आप लोग बात वगैरह करो, बाहर का बंदा है तो आप लोग बात वगैरह करो उससे, और गेम भी ज़्यादातर खेलो, और अगर हो सके तो फुल मैप जो टूर्नामेंट्स होता है वो ज़्यादातर खेलने की कोशिश करो। फुल मैप टूर्नामेंट्स में क्या होता है, आप लोगों को मतलब पता चल जाता है कि टूर्नामेंट कैसा होता है, और अच्छे बंदे अगर आएंगे तो यार आप लोगों को पता ही चल जाएगा ऑफ कोर्स कि एक टूर्नामेंट खेलना कितना मतलब मुश्किल होता है। तो वहाँ से अगर आप लोग ज़्यादातर प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों को बहुत ही अच्छा मतलब प्रैक्टिस हो जाएगा आप लोगों का। और कस्टम अगर है आप लोगों के पास तो वन टैप वगैरह छोड़ के अभी ई-स्पोर्ट पे ध्यान दो, क्योंकि ई-स्पोर्ट पे अभी बहुत बड़ा एक कैरियर बन रहा है। और तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही बोलना था, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दो, 20 लाइक्स का एम है जल्दी से कंप्लीट कर दो, और नेक्स्ट वीडियो भी अच्छा वीडियो आएगा जोन परेड के ऊपर। तो मैं मिलता हूँ अगर फिर वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।